लोकसभा चुनाव 2024 आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में फिर चाहे सपा हो या फिर कांग्रेस या हो बीजेपी, सभी पार्टियां अपने अपने लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही हैं। ऐसे में कुछ नेताओं के एक पार्टी छोड़ दूसरे पार्टी में शामिल होने की भी खबरें आ रही हैं। इसी कड़ी में पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने उनके कांग्रेस ज्वाइन करने पर उनका स्वागत किया। माना जा रहा है कि वो यूपी की महाराजगंज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इस शिफ्ट को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। इस हफ्ते यूपी कांग्रेस में 3 ज्वाइनिंग हुई हैं। सूत्रों की माने तो गठबंधन में मनपसंद सीट चली जाने से भी कांग्रेस नेता लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के सामने प्रत्याशी उतारने का संकट खड़ा हो गया है। यूपी की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने 3 शहरों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है जिनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। बुलंदशहर के लिए गजराज सिंह और बांसगांव के लिए सदल प्रसाद जैसे नेता बीएसपी से कांग्रेस में आए हैं। अब अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी को कांग्रेस ने मौका दिया है। सदल प्रसाद बांसगांव विधानसभा से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बांसगांव से बीएसपी के उम्मीदवार थे गजराज सिंह। हापुड़ विधानसभा से 4 बार के विधायक रहे हैं। तो वहीं बात करें अमन मणि त्रिपाठी की, तो यूपी में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा ने त्रिपाठी का टिकट काट दिया था। पत्नी की हत्या के मामले में नाम आने के बाद त्रिपाठी को समाजवादी पार्टी ने टिकट देने से इनकार कर दिया था। त्रिपाठी को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में 25 नवंबर 2016 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 2012 में अमन ने चुनाव लड़ना शुरू किया था। वो उस चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट से हार गए थे। 2017 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कुंवल कौशल किशोर सिंह को 32,256 वोटों के अंतर से हराकर वो विधायक बने थे। वैसे तो अमन मणि त्रिपाठी को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता अमर मणि त्रिपाठी महाराजगंज के ही लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे हैं। अमर मणि त्रिपाठी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।